हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल ट्रिक्स पे रोहन पे। देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको एक पेटीएम मर्चेंट का लेके एक नया अपडेट और कैसे पेटीएम मर्चेंट पॉइंट को रिडीम करते हैं अपने पेटीएम वॉलेट पे, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। समझो, देखो वीडियो बनाने से पहले आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर कोई भी ऑफर कोई भी लूट सबसे पहले पता चल जाती है। समझो, तो चलिए यार तुरंत इस वीडियो को स्टार्ट करो। पेटीएम जो पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन है उसके मर्चेंट पे एक नया और नया अपडेट आया था, जहां पर आप लोग को जो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करने के मतलब पेमेंट अगर एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो आपका दुकान हो या फिर आप लोग सेल्फ मर्चेंट हो, तो उसके लिए आपको पेटीएम मर्चेंट पॉइंट मिलता था। समझो, जहां पर से वॉलेट पे 600 में 6 और यूपीआई से 1 मिलता था। इसका लेके मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लेके मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूं। जब भी मतलब नया नया जब अपडेट आया था ना पेटीएम मर्चेंट का बिजनेस, तो मैंने इसके लेके वीडियो बनाया था, तो शायद से आप लोग ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लो, आप लोगों को पूरा पेटीएम बिजनेस का जो मर्चेंट पॉइंट का जो मामला है सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझो, देखो यार इस वीडियो मैं आप लोगों को नया बताऊंगा कि जो पेटीएम बिजनेस जो मर्चेंट था वहां पर आप लोग ने क्या किया कि पॉइंट तो इकट्ठा कर लिए पेमेंट एक्सेप्ट कर करके, लेकिन उस पॉइंट को रिडीम करने के लिए जब जाते थे तो आप लोगों को बोला जाता था कि पेटीएम की तरफ से कि हम लोग नया अपडेट जब आएगा तो हम लोग आप लोग इस जो बिजनेस मर्चेंट पॉइंट को आप लोग पेटीएम में ट्रांसफर कर पाओगे। समझो यहाँ बात, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो आप पेटीएम का नया अपडेट आ चुका है और आप लोग इस पेटीएम बिजनेस मर्चेंट पॉइंट को आप लोग पेटीएम वॉलेट पे ट्रांसफर कर पाओगे। करना क्या है, आप लोग सिंपल से जो पेटीएम बिजनेस मर्चेंट है उसको अपडेट कर लो डिस्क्रिप्शन से जाके। समझो, या फिर आपका पास है तो प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लो। जैसे नया वर्जन में अपडेट कर दोगे, आप लोग उस मर्चेंट ऐप को खोलो, पेटीएम बिजनेस मर्चेंट ऐप को जैसे खोलोगे आप लोगों को पूरा इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। नीचे में जाओगे आपको एक्सेप्ट पेमेंट इस टाइप का कोई बैनर दिखेगा कि एक्सेप्ट पेमेंट और गेट कैशबैक, इस टाइप का आपको एक बैनर दिखने को मिलेगा। सिंपल से उस बैनर पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर जितना भी मर्चेंट पॉइंट हो आपको शो हो जाएगा और जितना भी आपका पासबुक जैसा खुल जाएगा पूरा मर्चेंट पॉइंट, और एक ऊपर में देखोगे एक रिडीम मर्चेंट पॉइंट का एक ऑप्शन आएगा। पहले इस पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर बोला जाता था अपडेट के बाद हम लोग करेंगे, लेकिन अब आप क्लिक करो, जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको तीन टाइप का यहाँ पर और खुल जाएगा बैनर, जहाँ पर आपको अलग अलग मर्चेंट पॉइंट पे अलग अलग करके ट्रांसफर होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे अगर आपके पास 100 मर्चेंट पॉइंट है तो आपको 10 का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा पेटीएम का, जो आपका डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, मतलब एकदम से पेटीएम बैलेंस। सेकेंड आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को अगर 500 आपका पास मर्चेंट पॉइंट है तो 50 का आप लोग को पेटीएम का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और आपका पास 1000 मर्चेंट पॉइंट है तो आपको 100 का गिफ्ट वाउचर आपके पेटीएम अकाउंट पे मिल जाएगा। समझो, तो देखो मेरा पास 132 मर्चेंट पॉइंट है, तो सिंपल से मैं 10 वाला पे क्लिक करके स्वैप अप करना बोलेगा आपको। स्वैप करोगे ऐसे, जैसे स्वैप करोगे ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट के मर्चेंट पॉइंट से 100 कट के और यहाँ पर मेरा पेटीएम में 10 रुपीस आ जाएगा। देखोगे पेटीएम मर्चेंट मेरा पेटीएम अकाउंट को खोल के तो गिफ्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर मुझे 10 का बैलेंस मिल गया। तो आप लोग बोलो क्योंकि इसको यूज़ क्या कर सकते हैं, आप लोग आराम से इसको पेटीएम में यूज़ कर पाओगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ 10 का रिचार्ज इनिशिएट करके, जैसे मैं रिचार्ज इनिशिएट करता हूँ यहाँ पर आप लोग को देख पाओगे कि यहाँ पर आपका 10 का बैलेंस पेटीएम अकाउंट पर शो हो जाएगा और आप लोग इसको यूज़ भी कर पाओगे। तो होप्स आपके पास जितने भी मर्चेंट पॉइंट है आप लोग जाओ जल्दी से उस मर्चेंट पॉइंट को रिडीम में लगा दो, तुरंत आपको एक से इंस्टेंट आपका रिडीम हो जाएगा। और आप लोग एक और एक कन्फ्यूजन है कि हम लोग अभी मर्चेंट पॉइंट को एक कलेक्ट करें या नहीं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपका पास सेल्फ मर्चेंट है, मैं आपका खुद एक मर्चेंट हो, तो आप लोग अब दूसरे पेटीएम अकाउंट से आप लोग आराम से पेमेंट एक्सेप्ट करके अपने मर्चेंट पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर मर्चेंट पॉइंट को आप लोग इंक्रीज क्या अर्न कर सकते हो अपने मर्चेंट पॉइंट को। समझ लो, क्योंकि देखो अभी 20,000 तक पेटीएम वॉलेट पे 20,000 तक ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इंस्टॉलेशन चार्ज में आपके पेटीएम बिजनेस से आप लोग ट्रांसफर करने का अभी 20,000 तक चार्ज नहीं लग रहा है, 0%, उसके बाद 0.84% का चार्ज है। तो अब सेकेंड ऑफर आ रहा है फ्री चार्ज और जियो का तरफ से। फ्री चार्ज और जियो ने मिलकर अच्छे खासे आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं। समझो, जहाँ पर अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग अमाउंट पे रिचार्ज करने पे अलग अलग तरह के कैशबैक आपको मिलेगा। सिंपल से जहाँ पर 100% कैशबैक मिलेगा, अब देखो जितने भी प्रोमो कोड मैं आपको बताऊंगा, जितने भी प्रोमो कोड आपको शो होंगे सारा प्रोमो कोड ऑल यूजर है। मेरे पास जितने भी फ्री चार्ज के अकाउंट है सारे फ्री चार्ज में मैंने लगाए और सबसे रिचार्ज किए, तो मेरा लगभग अकाउंट पे 3-4 अकाउंट था, मेरा अकाउंट पे तो सारे अकाउंट पे लग गए। समझ रहे, तो होप सो आपका अकाउंट पे भी लगेंगे। सिंपल से फ्री चार्ज अकाउंट में जाओ और 10 का रिचार्ज इनिशिएट करो जियो का, हैव ए प्रोमो कोड के सेक्शन में आप लोग डालो Jio10 JIO10, इस प्रोमो कोड को लाके अप्लाई करो। जैसे अप्लाई करोगे कहीं से भी पेमेंट कर दोगे आप लोग देखोगे जैसे आपका रिचार्ज सक्सेसफुल होगा आपको 10 का कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा। समझो,
और यहाँ पर देखो जियो और फ्री चार्ज की तरफ से प्रोमो कोड है कि अलग अलग अमाउंट के रिचार्ज करने पे अलग अलग तरह का कैशबैक आपको यहाँ पर बैनर में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर पूरा एक बैनर आपको शो हो रहा है जहाँ पर आपका 10 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे 10 से 100 तो यहाँ पर आपको जियो 10 प्रोमो कोड लगाओगे तो 10 का कैशबैक और 100 से 200 के बीच में, मतलब अगर 100 का भी रिचार्ज करोगे और उसके 200 के बीच में तो जियो 25 प्रोमो कोड लगाओगे तो आपको यहाँ पर 25 का कैशबैक मिलेगा और आप लोग 200 से 300 लगाओगे तो जियो 30 प्रोमो कोड लगाओ उसके लिए आपको 30 कैसे मिलेगा, फिर 40 लगाओगे तो 300, 400 से 500 ऐसे करके आपका अमाउंट यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेगा उसके बीच में आप इस प्रोमो कोड को लगा दोगे तो आपको उसके लिए कैश भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि 100-200 आप लोग 149 का करो 156 का करो इस सब इसके बीच में करोगे तो आपको ये प्रोमो कोड लगाएगा। मैंने यहाँ पर ट्राई किया देख सकते हो, 100 का रिचार्ज इनिशिएट करता हूँ और है पे प्रोमो कोड के सेक्शन में जियो 25 इस प्रोमो कोड को यूज़ करूँगा तो देखो कि यहाँ पर 25 का कैशबैक मेरा अप्लाई हो जा रहा है फ्री चार्ज में और 25 के रिचार्ज मैं 100 के रिचार्ज पे मुझे 25 का कैशबैक मिल जा रहा है। तो ऑफर एकदम ही बुरा नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपको कोई अलग प्लेटफॉर्म पर ऑफर नहीं देखता है तो 100 के रिचार्ज पर जो 25 का कैशबैक मिला ये कोई बुरा ऑफर नहीं है और 10 के रिचार्ज पर आपको 10 का कैशबैक मिल रहा है, समझो। तो आप लोग मैं चाहूँगा कि आप लोग सबको इस ऑफर को ट्राई करो। तो मॉर्निंग गूगल पे मर्चेंट में जो गुड मॉर्निंग ऑफर था यार वो एक्सपायर हो चुका है एकदम ठंडन गोपाल, वहाँ पर कोई भी अभी ऑफर शो नहीं होगा। एक ऑफर आपको शो हो रहा है बहुत फालतू ऑफर लग रहा है मुझे। आप लोग गूगल पे मर्चेंट ऐप को ओपन करोगे ऑफर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको 1 लाख जीतने का एक ऑफर मिलेगा जहाँ पर हर सप्ताह आपको 1 लाख जीतने का मौका मिल सकता है। कैसे, यहाँ पर आप लोग 4 पेमेंट एक्सेप्ट करोगे 20 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का पेमेंट एक्सेप्ट कर दो तो अगर 4 पेमेंट आपको एक हफ्ते में एक्सेप्ट करोगे तो उसके लिए आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा और जिस स्क्रैच कार्ड में आपको 1 लाख तक जीतने का मौका मिल सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पर बेटर नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, आपको 10 से 1,000 दे देता तो अच्छा रहता, समझ रहे हो। यहाँ पर 1 लाख दे दिया तो होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो कर दो लाइक, नहीं देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब, प्लीज़ अरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो अपने दोस्तों अपने भाइयों में शेयर कर दो और सारे को बता दो क्या क्या नए नए अपडेट आए हैं। तो होप्स मिलते हैं कोई नेक्स्ट वाले वीडियो में।